ठीक है बेटा, अब लगभग लगभग हम चैप्टर के एंड में आ चुके हैं और डाइजेशन के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं पहले ही कि डाइजेशन क्या है, कि हमारे जो लार्ज बायो मॉलिक्यूल्स हैं इनको तोड़कर हमें छोटी सी छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो कल हमने बात की थी डाइजेशन ही बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, तो उसमें हमने बात की थी कि सबसे पहले डाइजेशन किस चीज़ का शुरू हो जाता है। सबसे पहले डाइजेशन शुरू हो जाता है जो ब्रेड है या रोटी है या जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका डाइजेशन कहाँ शुरू हो गया, उनका डाइजेशन माउथ में ही शुरू हो जाता है। हमने जैसे ही ब्रेड खाई दांतों से उसको चलाया और चबाया, मतलब सलाइवा को मिक्स किया और 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहीं से शुरू हो जाता है, ये बात हम कल कर चुके हैं। तो हमने भी बात की थी कि यहाँ पर एक्ट कौन सा एंजाइम करता है, यहाँ पर एक्ट करता है सलाइवरी एमाइलेज, ठीक बेटा, सलाइवरी एमाइलेज। और इसका यहाँ पर दोस्तों ने इसका यहाँ पर दोस्त होता है लाइसोजाइम। एक बार हल्का सा रिवीजन कर ले रहे हैं कि ये दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों ही मिलकर डाइजेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। जो सलाइवरी एमाइलेज है ये 30% यहाँ पर डाइजेशन कर देता है और ये एंटी माइक्रो या एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी को शुरू करता है। तो अब बेटा देखो हमें डाइजेशन करना किस किस चीज का है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की बात हो गई, ये आप देख रहे हो ये क्या है, ये है वे प्रोटीन, ये वे प्रोटीन है। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन बहुत सारे प्रोटीन्स का मिक्सचर होता है, तो प्रोटीन्स तो बहुत सारे हैं ही हैं लेकिन इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, वो होती है अमीनो एसिड। तो हमें प्रोटीन को कन्वर्ट किसमें करना है, अमीनो एसिड में। तो अब ये प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो माउथ में नहीं शुरू होता है, प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होगा कहाँ पर जाकर, प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है स्टमक में। एक बात और भी कर ले रहे हैं कि अब तुम खुद ही सोचोगे कि सर ये क्या क्या लाके दिखा रहे हो। फैट का डाइजेशन सबसे टफ होता है और सबसे बाद में कंप्लीट होता है। तो फैट का मतलब तुम समझ लो, फैट मतलब क्या, फैट मतलब मोटा, मोटा मतलब सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला। तो 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है आपको फैट से, ठीक बेटा। तो अभी इसकी बात हम बाद में करेंगे, अब हम डाइजेशन स्टमक की बात शुरू करने जा रहे हैं। तो हेडिंग चाहो तो डाल लो डाइजेशन इन स्टमक। खाना ना खा गया है उन्हें, तो स्टमक में जो डाइजेशन होगा उसमें तो पहले हम ये जानते हैं कि स्टमक में कौन कौन से एंजाइम हैं, कौन सी सेल्स हैं जो कि उन एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो नंबर वन म्यूकस, म्यूकस नेक्सेल जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। और म्यूकस का सिक्रीशन आपको पता है क्यों बहुत जरूरी है, क्योंकि एससीएलबी यहीं पर प्रोड्यूस होना है। तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस स्टमक की जो एपिथेलियल वॉल है उसको बचाता है म्यूकस। तो ठीक है बेटा, म्यूकस की बात होगी, म्यूकस नेक सेल। तो अब इसको तुम कैसे याद रखोगे कि म्यूकस नेक सेल है, गले हो जाते ना छिचकिच, तो मैं केवल ऐसे भी याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो नेक में म्यूकस हो जाता है, तो ये क्या हो गया, म्यूकस नेक सेल से प्रोड्यूस होता है म्यूकस। अब दूसरे पे आते हैं, नंबर दो पर है पेप्टिक और चीफ सेल। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम है पेप्सिनोजन। और अब इसको तुम कैसे याद रखोगे कि पेप्टिक या चीफ सेल है, तो मैं एक ऐड देख रहा था कि एक फैमिली का हेड होता है, फैमिली का हेड ज्यादातर आपने देखा पापा होते हैं, तो पापा हो गए, तो वो कहता है अपनी फैमिली से, सब लोग अपना अपना काम बताते हैं, कोई कहता है सब्जी ले आओ, कोई कहता है हमारा मोबाइल रिचार्ज करा दो, कोई कहता है केबल वाले फोन कर दो। तो वो कहता है कि मैं क्या हूँ, मैं इस घर का सीईओ हूँ, मतलब चीफ एंटरटेनिंग ऑफिसर या
मुझे पूरा ऑफिस, तुम ऑफिसर समझ लो कि जितना भी इंटरटेनमेंट, जितनी भी चीजें हैं, जितना भी काम है वो सब मुझे करना है। तो चीफ कौन है? चीफ है पापा, ठीक। और पापा है तो पापा से याद कर लो कि पापा का पापा से रिलेशन। तो चीफ और पेप्टिक्सेल प्रोड्यूस क्या करते हैं? पेप्सी भोजन को। अब थर्ड नंबर पे आ जाओ। थर्ड नंबर पे कौन सा है? नंबर थ्री, पैराइटल, पैराइटल और ऑक्सिनेटिक सेल, पैराइटल और ऑक्सिनेटिक सेल ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये देखो यहाँ जगह कम हो रही है, मैं ऊपर लिखूंगा। पहली बात तो ये HCl को प्रोड्यूस करते हैं, HCl को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। नंबर दो, यहीं पे लिख देता हूँ, नंबर दो, ये एक नेचुरल फैक्टर को रिलीज करते हैं, एक नेचुरल फैक्टर को रिलीज करते हैं जो कि विटामिन B12, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो पहले तो तुम याद कर लो कि HCl को कौन सीक्रेट कर रहा है। तो तुमने ये जरूर पढ़ा होगा कि एक एसिड होता है ऑक्सैलिक एसिड, उसका यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है। बस तुमको ये याद रखना है कि ऑक्सैलिक एसिड एक एसिड है, तो ऑक्सिनेटिक सेल, ऑक्सिनेटिक सेल प्रोड्यूस क्या करेंगी? ऑक्सिनेटिक सेल प्रोड्यूस करेंगी HCl को। अब दूसरी बात तुम ये जान लो कि ये जो नेचुरल फैक्टर है जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है, तो ये जरूरी क्यों होता है? ये जरूरी इसलिए है कि जो विटामिन B12 है, विटामिन B12 है, इसका रिलेशन होता है RBC से। अगर विटामिन B12 नहीं होगा, विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, तुम कितना भी खाओ और एब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा, तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो RBC का मैचुरेशन नहीं हो पाएगा। RBC इमेच्योर रहेंगी, जब इमेच्योर रहेंगी तो इस वजह से क्या हो जाता है? इस वजह से एक डिजीज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं परनीशियस एनीमिया, परनीशियस एनीमिया। तो एनीमिया तुमने सुना होगा कि खून की कमी हो गई, तो खून की कमी किस वजह से हो गई? कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ गए सब लोग? तो अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। ये जो हमारा सिक्रीशन है जितना भी स्टमक में जो सेल्स हैं वो हमने पढ़ ली, याद भी कर ली, और ये भी जान लिया कि विटामिन B12 अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या कंडीशन आने लगेगी? कंडीशन हो जाएगी परनीशियस एनीमिया, इलेक्ट्रोलाइट को सिंपली हम एनीमिया भी कहते हैं, ठीक बेटा। अब बात करते हैं कि जो NCERT में लाइन्स लिखी हुई है कि फूड जो है, फूड 4-5 घंटे रहता है, 4-5 आवर्स 4-5 घंटे स्टमक में रहता है, मतलब उसका डाइजेशन जो शुरू होता है वो लगभग 4-5 घंटे में एब्जॉर्ब हो पाता है, कंप्लीट हो पाता है। तो तुम यहीं पर जान लो कि जो स्टमक है वहां पर क्या होते हैं? स्टमक में होते हैं चर्निंग मूवमेंट्स, चर्निंग मूवमेंट्स, ठीक। अब ये चर्निंग मूवमेंट क्या है? तो हम लोग बात करते बोलते नहीं है कि यार चलो कुछ खाते पीते हैं, पेट में चूहे कूद रहे हैं, पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो वही पेट में चूहे कूदना वो ऐसे ऐसे करके मतता है, ऐसे ऐसे करके मतता है, तो वही जो चर्निंग मूवमेंट है, पेट में चूहे कूदना है, ये क्यों होता है? कि एक तो वैसे ही होना ही है, जब है कुछ उसके पास, जब स्टमक में कुछ खाना पड़ा हुआ है तो अपने काम में बिजी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो खाली है, तो खाली है तो वो कर करके परेशान करता है कि मुझे कुछ खाने को दो। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डाइजेशन किस तरह से शुरू हो रहा है। ये हो गया बेटा ओएसोफेगस, ठीक, और यहां से आकर ये बन गया स्टमक, ठीक। स्टमक जाके कहाँ जुड़ेगा? स्टमक जुड़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो तुमने ब्रेड खाई या तुमने प्रोटीन खाया, कुछ भी खा लिया तुमने, तो ये प्रोटीन यहाँ से होता हुआ जब यहाँ पर होगा तो यहीं पर तुम समझ लो कि जो ओएसोफेगस में मूवमेंट होते कैसे होते, कि ये चिपकी सी नली है, चिपकी सी नली है, तो ये ऐसे ऐसे करके वेवी टाइप के मूवमेंट प्रोड्यूस करती है, हल्का सा ऐसे ऐसे फूलेगा पिचकेगा, तो इसी चीज़ को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ये फूड कहाँ पहुँच गया? अब देखो ये फूड पहुँचा कहाँ पर? ये फूड पहुँच गया यहाँ पर स्टमक में। तो स्टमक में ये चारों तरफ म्यूकस है, चारों तरफ ये क्या है? चारों तरफ म्यूकस है, और यहाँ पर ये जो है, ये इतना पोर्शन जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर HCl है, जिसको किसने प्रोड्यूस किया है? जिसको प्रोड्यूस कर रखा है इसने,
ऑथेंटिक सेल या पैराइटल सेल में, तो फूड यहाँ पर पहुँच गया, फूड यहाँ पर पहुँच गया। तो हमारे मोहल्ले में एक माता जी रहती हैं, तो वो अक्सर लोगों को बताती हैं कि जानते हो पेट में क्यों भूख लगती है और कैसे भूख शांत हो जाती है। तो बोलते बताओ तो अम्मा क्यों, बोली रोटी जो है जाकर खून में डूब जाती है, रोटी जाकर खून में डूब जाती है। तो हमने यार ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब मैं जब इस चीज़ को सोचता हूँ तो उनकी बात अपने गांव क्षेत्र के हिसाब से सही थी कि रोटी जाकर खून में डूब जाती है। तो खून नहीं है वो चीज़ क्या है, वो है यहाँ पर HCl। जैसे ही यहाँ पर जो प्रोटीन्स पहुँचे, तो रोटी तो वो बोलती थी, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि हमने मटन खा लिया, हमने चिकन खा लिया, तो वो जब यहाँ पर पहुँचा तो HCl ने अपना काम शुरू किया। तो HCl का जो pH होता है वो होता है 1.8 होता है। तो तुम सोचो अगर ये HCl हमारे ऊपर गिर जाए, ये HCl हमारे ऊपर गिर जाए तो ये क्या करेगा, ये हमको जला देगा पूरी तरह से, इतना ज़्यादा इसका pH होता है, इतना खतरनाक होता है। तो अब इस स्टमक को क्यों नहीं जला रहा है, इस स्टमक को इसलिए नहीं जला रहा है क्योंकि चारों तरफ क्या है, चारों तरफ म्यूकस है, जिसको किसने प्रोड्यूस किया, म्यूकस नेक्सेल ने प्रोड्यूस कर रखा है। अब HCl क्या क्या काम करेगा, एक तो उनको तोड़ेगा, उनको तोड़ेगा सबसे पहले, और दूसरी बात क्या करेगा, दूसरी बात एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी शो करेगा, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी शो करेगा। तो अब देखो बेटा यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्रोटीन्स तुमने खाए हैं वो क्या कर रहा है, प्रोटीन्स को तोड़ता है पेप्टोन्स में और साथ में प्रोटीयोसेस में, ठीक, पेप्टोन्स में और प्रोटीयोसेस में। अब तुम एक बात को ये भी कह सकते हो कि आपने इन दोनों को अलग अलग क्यों लिख रखा है, क्या ये दोनों एक ही होते हैं, तो नहीं बेटा ये दोनों एक ही नहीं होते हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। और ये जो है हमारा, ये है पॉलीपेप्टाइड, ये क्या है इसके बाद, ये है यहाँ पर, इसको अभी तुम पेप्टाइड बोलोगे। पेप्टाइड क्या है, इसे पॉलीपेप्टाइड की छोटी यूनिट है। अब ये टूटा क्यों इसमें, वो कहना जी जब प्रोटीन से अमीनो एसिड बना रहे थे तो सीधे सीधे प्रोटीन से अमीनो एसिड क्यों नहीं बना रहे, तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी तो इस प्रोटीन को इसने क्या किया है, प्रोटीन को पार्शियली हाइड्रोलाइज बनाया है। कहीं कहीं देखो दे रखा, जब हायर स्टडीज में तुम पढ़ोगे कि ये ऐसे हैं कि वाटर सॉल्विंग प्रोटीन हो जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में आप देखोगे दे रखा है कि ये पार्शियली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, पार्शियली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, मतलब कंप्लीटली अभी नहीं हुए हैं। तो ये तुमने देखते हैं कि इससे क्या बन गया, प्रोटीन से पेप्टोन्स बन गए और प्रोटीयोसेस बन गए। अभी देखने इनको आगे किस तरह से तोड़ा जाएगा और किस तरह से इस पर एक्टिविटी होगी, ये अभी आप बाद में देखेंगे। तो इनको तोड़ता कौन है, इनको यहाँ पर ये तोड़ने का जो काम है वो कौन कर रहा है, एक मिनट टूट जाने जरा, कि इनको तोड़ने का जो काम है प्रोटीन्स को तोड़ने का काम करता है यहाँ पर पेप्सिन। तो तुम कहोगे अभी तो बता रहे थे कि पेप्सिनोजन, अब ये हो गया पेप्सिन। तो जो बेटा पेप्सिनोजन था वो इनएक्टिव था एंजाइम, उसी को हम बोलते हैं प्रोएंजाइम, ठीक। तो अब ये जो पेप्सिनोजन था वो क्या होता है, पेप्सिनोजन को HCl तुम देख रहे हो ये खतरनाक टाइप का एसिड है, वो HCl क्या करता है, इस पेप्सिनोजन को एक्टिव कर देता है, उस पेप्सिनोजन को एक्टिव कर देता है। तो अब वो क्या बन गया, अब वो बन गया विराट कोहली, उसको क्या करना है, प्रोटीन को तोड़ना है। तो इस पेप्सिनोजन को एक्टिव किसने किया, इस पेप्सिनोजन को एक्टिव किया HCl ने, मतलब दूसरी टीम के खिलाड़ियों ने उसको उत्तेजित कर दिया, तो वो क्या बन गया, विराट कोहली बन गया। और उसने क्या किया, छक्का मार दिया, मतलब प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और प्रोटीयोसेस में उसने तोड़ दिया, ठीक। इतनी बात हो गई हमारी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक तो हमारे पास क्या था मिला एंजाइम, यहाँ पर पेप्सिनोजन जिसकी एक्टिविटी 1.8 pH पर हो रही है, और यहाँ पर इसको कंट्रोल करने में बाइकार्बोनेट आयंस का भी बड़ा रोल है, तो अभी जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे तो इसको हम पूरा सही से डिस्कस करते हैं। अब एक दूसरा एंजाइम है रेनिन, तो रेनिन होता किसमें है, रेनिन होता है इन्फेंट्स मतलब छोटे बच्चे। तो छोटे बच्चे खाते वाते तो शुरू में नहीं है कुछ भी, छोटे बच्चे क्या करते हैं, केवल दूध पीते हैं,
तो जब बच्चा बेबी पैदा होता है तो डॉक्टर बोलता है कि बच्चे को अभी केवल अब माँ का दूध दीजिए, माँ का दूध दीजिए। तो ये क्या कर रहा है, इन्फेंट्स डिपेंडेंट किस पर, इन्फेंट डिपेंडेंट मिल्क पर। तो मिल्क के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रेनिन। रेनिन रिस्पॉन्सिबल है, और रेनिन क्या करता है कि मिल्क में जो प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन होती है सोच लो, आधा सेकंड, एक सेकंड सोच लो कि मिल्क में प्रोटीन होती है केसीन। केसीन प्रोटीन होती है, तो केसीन प्रोटीन को क्या कर देता है, एक तरह से कोगुलेट कर देता है या उसको जमा देता है, इसको दमा देता है। तो इसको हम बोलते हैं दूध से दही में कन्वर्ट कर देता है, दूध से दही में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जाकर स्टमक में स्थिर हो जाता है। अब दूसरी बात तुम ये समझ लो, कभी कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि बच्चों में रेनिन नहीं बन रहा, छोटा बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, सलाह कर उसको कुछ नहीं दिया जा रहा है, शुरू में ही माँ बोल रही है कि इसको जैसे ही हम दूध पिलाते हैं ये पॉटी कर देता है या वोमिटिंग कर देता है, क्या करें डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर समझ जाते हैं कि इस बच्चे में रेनिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो रेनिन का जब प्रोडक्शन नहीं होता तो वो उसको एक टैबलेट लिखता है, ये तुम्हारी जानकारी के लिए बता रहे हैं, ये पूछा कभी नहीं जाएगा कि इनको आप एक टैबलेट मैं लिख रहा हूँ जो कि है, इसका नाम है रेनेट, रेनिन से रेनेट। तो उसको दूध पिलाने से पहले, पाउडर के फॉर्म में होती, सिरप फॉर्म में भी होती, इसको दूध पिलाने से पहले आप रेनेट दे दीजिए तो बच्चा ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये काफ की जो बछड़ा होता है उसकी इंटेस्टाइन से लिया जाता है। ठीक, इतनी बात हो गई आपकी जानकारी की रेनिन हो गया। 4-5 घंटे खाना रुकता है वहाँ पर, स्टमक में चर्निंग मूवमेंट्स होते हैं, और स्टमक में इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा और कोई खास चीज बची है। तो अब प्रोटीन से तुमने क्या कर लिया, हाँ गैस्ट्रिक लाइपेज भी होते हैं। तो यहीं पर तुम ये भी जान लो कि लाइपेज तुमने सुना था, लाइपेज आपने पढ़ा भी था कि जो सलाइवा है, सलाइवा में भी क्या होते हैं, सलाइवा में लाइपेज होते हैं, स्टमक में भी लाइपेज होते हैं, लेकिन लाइपेज तब एक्टिव होगा, लाइपेज हमेशा तब एक्टिव होता है जब बाइल उसको प्रमोट करता है, वरना लाइपेज अपना काम नहीं करता। अभी आप देखोगे कि फैट के डाइजेशन में लाइपेज कहाँ पर जाकर काम करता है, कहाँ पर जाकर एक्टिव होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर रोल ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल। तो बाइल में ध्यान करो क्या क्या चीजें बताई थी मैंने कि बाइल में क्या क्या होता है। बाइल में एक तो होते हैं बाइल पिगमेंट्स, दो बाइल पिगमेंट्स हैं, कौन कौन से, बाइलीरूबिन और बाइलीवर्डिन, कौन कौन से, बाइलीरूबिन और बाइलीवर्डिन। और इसमें जो सॉल्ट्स होते हैं, दो सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टायरोकाइलेट, कौन कौन से सॉल्ट में, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टायरोकाइलेट। अब ये क्या करेंगे कि तुम वहां पर ध्यान करो कि जब ये जो गॉल ब्लैडर था और इसके पास दो डक्ट आई थी, किसकी, दो डक्ट आ रही थी लीवर से, ठीक ऐसे थी ना, एक राइट से थी और एक लेफ्ट से थी। तो ये दोनों कहाँ रही थी, ये दोनों मिल रही थी अगर गाल ब्लेडर में, और गाल ब्लेडर से जो कॉमन बाइल डक्ट बन के जा रही थी वो किससे मिल रही थी, वो जाके मिल रही थी जो पैंक्रियास की डक्ट है। तो पैंक्रियास कहाँ पर था, पैंक्रियास ये सी शेप ड्यूडेनम के बीच में, तुम देखोगे पत्ती जैसा एक ऑर्गन था। तो ये यहाँ पर इसकी जो डक्ट है, पैंक्रियास की भी डक्ट और इसकी भी डक्ट, ये मिलकर दोनों चली जाती है कहाँ पर, ये चली जाती हैं दोनों इस स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये डक्ट खुल जाती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये डक्ट खुल जाती हैं। तो तुमने देख लिया कि जो लीवर है गाल ब्लैडर के साथ दोस्ती करके क्या कर रहा है, बाइल सॉल्ट्स दे रहा है, बाइल जूस को दे रहा है, कुछ फॉस्फोलिपिड्स को भी दे रहा है, ठीक है, कुछ अमाउंट में शुगर्स भी होती हैं उसमें। अब पैंक्रियास क्या कर रहा है, पैंक्रियास अपना जो रोल प्ले कर रहा है, पैंक्रियास में तुम देखो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, सबका भी मैं क्लियर कर दूंगा कौन कहाँ किस काम आएगा। ठीक, तो पैंक्रियास के पहले तो देख लो एंजाइम कौन कौन से हैं,
पैंक्रियाज, इसको मिटा देता हूँ, जगह बहुत ज्यादा ले रहा है ये। तो एंजाइम्स, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, दूसरा काइमो ट्रिप्सिनोजन, काइमो ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, 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 ठीक। तीन हो गए, ये तीन तो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रोटीन के लिए। अब आगे जो है प्रोटीन क्या, तो पेप्टोन से प्रोटीओसिस में कन्वर्ट हो गया, फिर इसके बाद कौन कौन से रह जा रहे हैं, इसके बाद रह जाते हैं आपके लाइपेज, एमाइलेज और न्यूक्लियस। तो अब बेटा एक बात को यहां पर समझो कि ये जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स हैं पैंक्रियास के पास, अभी ये इनएक्टिव स्टेज में है, ठीक। तो पैंक्रियास में कोई डाइजेशन तो होना नहीं है, तो पैंक्रियास इनको इनएक्टिव स्टेज में बचा कर रखता है कि तुम अभी रिजर्व खिलाड़ी हो, रिजर्व खिलाड़ी हो, तुमको अभी मैदान में उतारते हैं, मैदान में उतारते हैं और तुमको एक्टिवेट करेगा वहां पर, वहां पर एक तुम्हें खिलाड़ी होगा जो मोटिवेट करेगा तुम्हें, जो कि आता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, जिसको हम बोलते हैं एंटेरो काइनेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटेरोकाइनेज। तो इंटेरोकाइनेज इनको बोलता है, अरे यार अब तो तुम पैंक्रियास से आ गए हो यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, जागो अब तुम क्या हो जाओ, अब तुम एक्टिव हो जाओ, अब तुम एक्टिव हो जाओ, तुम्हारे अब काम करने का समय आ गया है। तो ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हुआ जाकर किसमें, ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में, ट्रिप्सिन में, फिर जो काइमोट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये हो गया काइमोट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिन में, और प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सीपेप्टिडेज में, ठीक। तो जो जिसका नाम है वही अपने नाम के हिसाब से अपने से रिलेट कर लो कि ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज हो गया, ठीक। तो तुम्हें ध्यान के रखना है कि इनको एक्टिवेट किसने किया, इनको एक्टिवेट किया जो एंटेरोकाइनेज था, एंटेरोकाइनेज जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जा रहा था, उसने इनको क्या कर दिया, उसने इनको एक्टिवेट कर दिया कि अब तुमको अपना काम करना है। तो यहीं पर समझ लो कि ये अपना क्या काम करते हैं, तीनों एंजाइम मिलकर, ये तीनों एंजाइम जो है, जगह कम पड़ रही मैं मिटा दे रहा हूं उसको, आराम से समझना है क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन जब आएगा तो इससे जरूर आएगा। यहाँ जितना डाइजेशन चल रहा है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो पहला तो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है टीथ से, ठीक, और दूसरी प्रोबेबिलिटी यहाँ से होती है। तो ये समझ लो मिनिमम दो क्वेश्चन तो आने आने, कभी कभी चार क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो अब तुमने देखा कि पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस, पेप्टोन्स प्लस प्रोटीओजेस, ये पहुंच चुके हैं कहां, स्टमक से पहुंच चुके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, इनका इंतजार कर रहे हैं तीन लोग, इनका इंतजार कर रहे हैं कौन कौन, तीन लोग, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, और तीसरा है कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये तीन एंजाइम इसका इंतजार कर रहे हैं। तो पहला स्टेप तुम देखो प्रोटीन का, पहला स्टेप कहां पर, पहला स्टेप स्टमक में, जो कि क्या बन गया था, प्रोटीओजेस और पेप्टोन्स। अब इन प्रोटीओजेस और पेप्टोन्स को कन्वर्ट करके क्या बना रहा है, अभी भी कह रहा है कि अमीनो एसिड नहीं बन रहा, अभी भी क्या बन रहा है, अभी भी ये बन रहा है जाकर यहां पर डाइपेप्टाइड, ठीक बेटा। तो क्या बन गया अब तक प्रोटीन में, तो प्रोटीन चला कहां से था, प्रोटीन चला था स्टमक से, स्टमक से पहुंचा कहां पर, पहुंच गया ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहां पर पैंक्रियाटिक जूस ने, पैंक्रियाटिक जूस ने अपना काम किया और इनको कन्वर्ट कर दिया
डाइपेप्टाइड में। अब अंतिम जो कन्वर्जन होना है अमीनो एसिड में वो होगा जाकर कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमने आपसे बात भी की कि यहां पर जो एंजाइम्स हैं इनकी जो एक्टिविटी होगी, इनकी जो एक्टिविटी होगी वो 6.8 पीएच पर होगी, 6.8 पीएच, ओ सॉरी 7.8 पीएच पर, 7.8 पीएच पर इनकी एक्टिविटी यहां पर होगी। अभी मैं बायो सॉल्ट्स, बायो जूस जितना है उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फैट डाइजेशन को मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है, और आज से तुम उसको समझ भी जाओगे सही से। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एंजाइम्स का पूरा ग्रुप है, पूरा ग्रुप है, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं सकस इंटेरिकस, उसको हम बोलते हैं सकस इंटेरिकस, ठीक। यही क्या है, इंटेस्टाइनल जूस है, इंटेस्टाइनल जूस है, ठीक। तो इंटेस्टाइनल जूस है, इनमें देखो एंजाइम्स कौन कौन से हैं, इनमें हम देखते हैं कि एंजाइम्स बेटा कौन कौन से हैं। तो इसके लिए मैं तुमको एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे क्या हो कि जो पैंक्रियाज है और स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स हैं उनमें आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकें, दोनों में अंतर एकदम कर सकें कि ये इसका है ये इसका है। तो इसकी मैं तुम्हें ट्रिक पहले बता रहा हूं, ट्रिक क्या, पहले मैं लिख देता हूं लैक्टेज डाइपेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज माल्टेज सुक्रेज न्यूक्लियस और लाइपेज। देखो पैंक्रियास और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो मैं अभी दोनों के एंजाइम बता रहा हूं, अभी मैं सबका रोल नहीं बताऊंगा कि किसका क्या रोल हो रहा है। तो ये एंजाइम कहां पर पाया जा रहा है, ये एंजाइम पाया जा रहा है इंटेस्टाइन में, इसी को बोलते हैं सकस इंटेरिकस या इसी को बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि सकस इंटेरिकस क्या होता है। तो अब लैक्टेज डाई इन सब को याद करने के लिए मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं, तुम्हें अच्छी लगे, तुम्हें ट्रिक पसंद हो तो तुम इसको नोट कर सकते हो, नहीं अच्छी लगती तो आप सीधे सीधे चीजों को याद रखें, ठीक है। लखपति डीएम, कोई डीएम है, सुखी नहीं लगता भाई, डीएम है तो 1.5-2 लाख से कम सैलरी क्या होगी उसकी। तो लखपति डीएम सुखी नहीं लगता, इतना पैसा होने के बाद भी कोई कारण है उसका, हो सकता है बच्चा पढ़ाई ना करता हो तो वो सुखी नहीं लगता। तो भावनाओं को समझो, ट्रिक से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बहुत से कमजोर बच्चे होते नहीं याद हो रहा है, गलत हो जा रहा है, कंफ्यूजन है, शुरुआत भी 11th नहीं समझ में आ रहा, तो आप इसकी भी मदद ले सकते हैं। अब हम फिर से नहीं यहीं पर मैं डिस्कस करूं इसके बारे में दो चीजें और भी, कि देखो खाना कहां से आया, खाना स्टमक से पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, तो तुम ध्यान करो वहां पर था क्या, वहां पर था HCl, ठीक, और HCl का पीएच कितना है, HCl का पीएच होता है 1.8, तो इतना हाईली एसिडिक वाला पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन घबरा गया एकदम, बोला अरे भगवान ये तो हमको मार डालेगा, भगवान बोले बेटा तुम परेशान ना हो, तुमको मैं दुगनी शक्ति देता हूं, बोलते दुगनी शक्ति मतलब बोलते तुमको एक तो हम देते हैं गोबलेट सेल्स, गोबलेट सेल्स, और दूसरी हम तुम्हारा जो ड्यूडेनम का, ड्यूडेनम का सब म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा है, उसको भी एक सेल देते हैं जिसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड। तो जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आप देख सकते हैं कि मैंने इनको पूरा एक्सप्लेन किया है। तो ये दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर एक थिक म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, थिक म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और ये आसानी से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है HCl के हमले से अपना
बचाव कर लेता है। तो इतनी बात तो हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन की। फिर से हम लौटते हैं कहां पर, पैंक्रियास पर। तो पैंक्रियास ने क्या कर दिया था, उनको डायबिटिक में कन्वर्ट कर दिया था। तो पैंक्रियास के जो बाकी एंजाइम है, बाकी एंजाइम है वो देखो क्या कर रहे हैं, पैंक्रियास के जो बाकी एंजाइम है तो एमआईडीएस को लिखते हैं सबसे पहले। तुमको ध्यान होगा कि माउथ में क्या हो गया था, माउथ में ये कन्वर्ट हो गया था किसमें, डाइसैकेराइड में। ठीक, माल्टोज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको भी ये तोड़ता है, इसको भी तोड़ दे रहा है ये, अभी ये डाइसैकेराइड में ही तोड़ रहा है। इसको मैं हटा दे रहा हूं माल्टोज को, ठीक है, क्योंकि 70% अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, 70% अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो ये जो 70% स्टार्च है, 70% स्टार्च है, इसको ये तोड़ देता है डाइसैकेराइड में। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये जो डाइसैकेराइड्स हैं कई सारे, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये डाइजेस्ट होने हैं, टूटने हैं, तो ये वहां पर किस तरह से होंगे। तो लाइपेज का भी कोई काम नहीं है, लाइपेज का भी कोई काम नहीं है। लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज बाद में बाइल सॉल्ट के साथ मिलकर फैट का डाइजेशन करेगा। अब यहां पर आपके पास एक रड आ रहा है, न्यूक्लियोटाइडेज क्या कर रहा है कि इस न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट कर रहा है न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज। तो वो लगभग वो कंप्लीट होने वाला है, ध्यान रखना है कि किससे क्या बन रहा है। ठीक है, कि इससे क्या बन गया, यहां पर डाइसैकेराइड और यहां पर इनसे क्या बन गए, इनसे बन गए न्यूक्लियोसाइडेस और न्यूक्लियोटाइडेस। तो इसको भी पहले बता दे रहे हैं कि यहां पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एंजाइम था आखिरी वाला कौन सा, न्यूक्लियेज या न्यूक्लियोटाइडेस भी कह सकते हो तुम, न्यूक्लियेज, ये क्या कर देता है, इनको तोड़ देता है नाइट्रोजिनस बेसिस प्लस शुगर में, नाइट्रोजिनस बेसिस और शुगर में इनको तोड़ देता है। ठीक है, तो अब यहीं पर तुम देख लो कि स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरह से काम कर रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रहा है कि ये जो डाइसैकेराइड्स हैं, तो तुम ध्यान करो कौन कौन से मैंने बताए थे आपको, मिटा देता हूं इसको, कौन कौन से थे, तो लैक्टोज है, माल्टोज और सुक्रोज। तो यहां पर जो माल्टोज है ये क्या करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, और बाकी ये जो है ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज और सुक्रोज भी क्या करता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इतनी चीजें जाकर क्या होंगी, ये इतनी चीजें जाकर हो जाती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब तुम ध्यान करो कि पैंक्रियास ने क्या कर दिया था, पैंक्रियास ने जो पेप्टोन्स और प्रोटीयोजेस थे उनको तोड़कर बना दिया था क्या, डाइपेप्टाइड। तो डाइपेप्टाइड टूट जाएगा जाकर अमीनो एसिड्स में, एसिड। ठीक, अब तुम इनके एंजाइम के नाम ध्यान करो, तो इनके नाम उसी के आधार पर तुमको याद आ जाएंगे कि जो लैक्टोज है उसको कौन करता है, लैक्टेज। तो जो माल्टोज है उसको कौन कर रहा है, माल्टेज, और सुक्रोज को कौन कर रहा है, सुक्रेज, और डाइपेप्टाइड्स को कौन कन्वर्ट कर रहा है अमीनो एसिड में, डाइपेप्टिडेज। ठीक, तो ये एंजाइम मैंने अभी जस्ट पीछे आपको बताया, आप उसको देख सकते हैं। तो अब हमारा इस तरह से
लगभग प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, इन सब का डाइजेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब जो सबसे जटिल डाइजेशन है, जो सबसे जटिल है, जो सबसे टफ है, वो है फैट का डाइजेशन। फैट का डाइजेशन तो इतना इजीली बताएंगे तुम्हें कि समझ में आ जाएगा, ठीक भैया। तो अब देखो, सबसे पहली बात है कि फैट क्या है। फैट फैट है, फैट फैट है, फैट ये है फैट, ठीक। फैट है, बड़ा सा मॉलिक्यूल है। नमस्ते इंडिया का ये देसी घी है, नमस्ते इंडिया का देसी घी है। तो फैट तुमने खाया, घी में रोटी, रोटी में तुमने घी लगा कर खाया, दाल में घी लगाया, मक्खन लगाया, तो अब इसको तोड़ना है। अभी तक कोई इसको टच नहीं कर रहा था, अभी तक इसको टच नहीं कर रहा था, तो बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए आगे कदम बढ़ाता है कौन, सबसे बड़ी ग्लैंड बॉडी की, लिवर। लिवर कदम बढ़ाता है अपने, तो लिवर ने क्या दिया था, लिवर ने दिए हैं बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट बेटा कौन कौन से थे, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टायरोकोलेट। तो ये है फैट, बड़ा सा मॉलिक्यूल। तो लाइपेज कह रहा हम गए यहाँ पे धनिया बोने के लिए, तो बोले नहीं नहीं भगवान कर तुम परेशान ना हो, तुम्हारा काम है। तो लाइपेज तो देखा इसको, डर गया, कह रहा भगवान ये तो बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल है, इससे मैं कैसे लड़ूंगा। तो भगवान कह रहा तुम चिंता ना करो, बड़ा तो है लेकिन मैंने बड़े आदमी को इसके पीछे लगा दिया। तो बोले अच्छा भगवान थैंक यू। तो फैट को क्या किया, बाइल सॉल्ट्स ने हमला किया, बाइल सॉल्ट्स ने हमला किया इस फैट पर, ठीक। जब इस पर हमला किया, हमला किया, तो अब एक चीज तुम ये जान लो कि जो फैट होता है, फैट जो होता है वाटर हीटिंग है या पानी में डिजोल्व नहीं होता, लेकिन ये जो लाइपेज है, जो प्रोटीन है, ये पानी में डिजोल्व होता है। तो अब कैसे इसको कन्वर्ट किया जाए, तो इसका क्या है, साइज बड़ा है, सरफेस एरिया कम है, तो इसको बाइल सॉल्ट ने तोड़ दिया, बाइल सॉल्ट ने इसको तोड़ दिया। तो जब तोड़ दिया तो ये ऐसे करके छोटे 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 फैटी ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, जो है फैटी ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। और इस पर बाइल सॉल्ट ने क्या किया, बाइल सॉल्ट ने इसके चारों तरफ अपनी एक परत चढ़ा दी, इसके चारों तरफ अपनी एक परत चढ़ा दी। तो अब ये वाटर में सॉल्युबल होने लायक हो गया है, ठीक भैया, वाटर में सॉल्युबल होने लायक ये हो चुका है। और जब ये यहाँ पर इस तरह से टूट जाता है तो इनको बोलते हैं माइसेल, ठीक। इसी प्रोसेस को, यही जो इस तरह से फैट टूटे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, ठीक। तो इमल्सिफायर कौन हो गया यहाँ पर, इमल्सिफायर हो गया यहाँ पर बाइल सॉल्ट। तो अब जब ये प्रोटीन, ये जो फैट्स हैं, फैटी ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, इनके चारों तरफ बाइल सॉल्ट की कोटिंग हो गई है, तो अब लाइपेज के पास पूरा मौका है इनको तोड़ने का, और लाइपेज पर अटैक कर देता है। तो लाइपेज पर अटैक कर दिया, तो देखते रहो महाभारत रामायण सीरियल आते हैं, एक तीर चलाते हैं और क्या होते हैं, उससे 500 तीर निकल आते हैं। तो इसके पास 500 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 500 दोस्त होते हैं। अब ये इनको तोड़कर बिल्कुल छोटा छोटा कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि क्या होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हो गए, बिल्कुल छोटे छोटे हो गए। तो यहीं पर जो विलाई हैं, जो विलाई हैं, ये इनको कैच कर लेती हैं और इनको अपने में एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक बेटा। तो इस तरह से फैट का डाइजेशन भी हो गया है, और उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक। अब थोड़ा सा जो पोर्शन रह रहा है, थोड़ा सा जो पोर्शन अभी रह रहा है एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स वगैरह का, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अब तो सोच रहे थे इसी में हो जाएगा, लेकिन काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, ठीक। तो हम खत्म करते हैं इस लेक्चर को यहाँ पर, ठीक ठाक जाइए पढ़िए, ठीक है।